गंज बासोदा कृषि उपज मंडी में भावांतर भुगतान योजना के तहत पंजीयन के लिए बनाए गए केंद्रों पर अनुविभागीय अधिकारी सीपी गोयल ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर किए गए पंजीयन की जांच के साथ ही संबंधित कर्मचारियों को निर्देश भी दिए गए। अनुविभागीय अधिकारी सीपी गोयल ने भावांतर योजनाओं से संबंधित कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय पर पंजीयन कार्य पूरा किया जाए ताकि किसानों को परेशानी ना हो। निरीक्षण के दौरान अनुविभागीय अधिकारी ने किसानों से भी चर्चा की तथा कृषि उपज मंडी अध्यक्ष नरेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों को भावांतर योजना के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही पंजीयन के दौरान आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई, किसानों को परेशान न होना पड़े। किसान पंजीयन के लिए भटक रहे हैं और उनका ये कहना है कि उनका पंजीयन नहीं किया जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गंज बासोदा कृषि उपज मंडी समिति में पंजीयन की तारीख जब से घोषित हुई है उस दिन से आज तक लगातार हमारे कर्मचारी भाई और ऑपरेटर मिलकर किसानों के पंजीयन कर रहे हैं। उसकी गंज बासोदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। राजगढ़ में इन दिनों प्रदेश भर में गुंडों के साथ ही मजनुओं व आवारा लोगों की पुलिस पिटाई कर रही है। इसी तरह राजगढ़ की पुलिस ने मजनुओं की पिटाई महिलाओं से करवाई। शिवराज के राज में भांजियों की सुरक्षा को लेकर पुलिस काफी सचेत हो गई है। इसी के तहत पूरे प्रदेश में मजनुओं की पुलिस द्वारा पिटाई की जा रही है। इधर राजगढ़ के ग्राम पिपलिया रसोड़ में मनचला जिस लड़की को छेड़खानी कर रहा था, उस लड़की से मजनू की पिटाई पुलिस ने करवाई। राजगढ़ से सलमान अली की रिपोर्ट। सिंगरौली के चितरंगी विधानसभा में कांग्रेस विधायक सरस्वती सिंह के द्वारा पेयजल संकट को देखते हुए चितरंगी ब्लॉक की 30 ग्राम पंचायतों में वाटर टैंकर का वितरण किया गया। सिंगरौली के चितरंगी विधानसभा में कांग्रेस विधायक सरस्वती सिंह के द्वारा पेयजल संकट को देखते हुए चितरंगी ब्लॉक की 30 ग्राम पंचायतों में वाटर टैंकर का वितरण किया गया। इन ग्राम पंचायतों में पेयजल की काफ़ी समस्या थी, जिसे सुचारू करने के लिए विधायक सरस्वती सिंह ने टैंकर वितरित किए, जिससे कि ग्रामवासियों को शुद्ध जल पीने का मिल सके। सिंगरौली से शिवेंद्रधर द्विवेदी की रिपोर्ट। एक निजी गार्डन में चल रहे सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नाबालिगों के विवाह की सूचना एडीएम डी के नागेंद्र सिंह को मिली, जिनके आदेश पर महिला सशक्तिकरण की टीम मौके पर पहुंची और 5 जोड़ों का विवाह रुकवाया। साथ ही पंचनामा बनाकर उनके परिजनों को हिदायत भी दी गई। सामूहिक विवाह में लापरवाही बरतने के मामले भी सामने आए हैं। महिला सशक्तिकरण के अधिकारी भारती डांगी का कहना है कि 5 जोड़ों में से 1 जोड़े के ही कागज सामूहिक विवाह समिति की टीम ने हमें उपलब्ध कराए हैं। अन्य 4 जोड़ों के कागज भी सामूहिक बाल विवाह समिति उपलब्ध नहीं करवा पाई। महिला सशक्तिकरण की टीम द्वारा मौके पर पंचनामा बनाकर नाबालिगों का विवाह करा रहे परिजनों को भी हिदायत देकर छोड़ा गया। मैम, आज जो दरबारगढ़ पैलेस में जो कार्रवाई की गई है, कहाँ से सूचना मिली थी और क्या था पूरा मामला? इसमें हमें एडीएम महोदय के निर्देश आए थे कि हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तो आप जाके चेक करें। उसके बाद हमने टीम को वहाँ पहुँचवाया है दरबारगढ़ पैलेस में, और कुल 5 जोड़े जो थे वो नाबालिग पाए गए और उन्हें हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया। 1 का हमें डॉक्यूमेंट्स मिले 1 जोड़े के, बाकी 4 जोड़ों के नहीं मिले। उनके पेरेंट्स ने फिर ये कबूल किया है कि वो बच्चे नाबालिग हैं। कहाँ के थे जोड़े? इसमें पूरे जिले से बच्चे आए थे, मतलब जो भी। धार से संदीप शर्मा की रिपोर्ट।